हाय, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेडिंग हुआ था। आज 10 नवंबर में कैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग हुआ था। अभी वो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इतना वोलाटाइल है, तो मार्केट में इंट्राडे वाले, तो आई एम श्योर इंट्राडे वाले के लिए तो बहुत दिक्कत है, प्रॉफिट तो नहीं हो पाता है। अब क्या करें, कभी कभार मार्केट कंसोलिडेट होता है तो फिर झेलना पड़ता है। तो ये है, मतलब बिजनेस का कॉस्ट है, जो भी ट्रेडर है ट्रेडिंग करते वो ट्रेडिंग कॉस्ट ही है। सो बी केयरफुल, आप लोग जब कभी भी ये ट्रेड लेते हो तो बी केयरफुल। फिर भी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। आप ऐसे लेके जाओगे, ऊपर से ऐसे लेटी हो जाता है, नीचे से ऐसे लेटी हो जाता है, आप क्या करोगे। चलो ठीक है, हम देखते हैं निफ्टी का डे चार्ट में क्या हुआ था, कैसे बना है। यस, अब देखो, मैंने जैसे बताया था कि ये जो 19,250 है, 19,250 के ऊपर 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज होगा ना, तो फिर ये निफ्टी के लिए अच्छा है। और मैं लास्ट जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, आप देखोगे उसमें मैंने बताया था कि अभी मार्केट ना कंसोलिडेशन मोड में है। और मैं उससे पहले ही बताया था कि मार्केट 2 नवंबर को बुलिश मोमेंटम आएगा। So, इसीलिए तो आप तैयारी करिए, फिर जब मार्केट बुलिश मोमेंटम होगा फिर आपको अच्छा फायदा। अभी तो देखो, अब तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन तो सब लोगों को पता है कि भाई वोलाटाइल इतना मार्केट है कि वोलाटाइल मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब ना अच्छे से ट्रेड ऊपर से ले पाओगे, ना नीचे से ले पाओगे। कहीं भी लेके जाओगे तो ऐसे लेके जाओगे, ऐसे लेके जाओगे तो ऐसे हिट हो जाता है, इतना वोलाटाइल है, ह्यूज वोलाटाइल। अब देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुआ था क्या, 19,395। अब देखो 19,400, लगभग 19,400 के पास क्लोज हुआ था। आज कितने में क्लोज हुआ है, 19,425, मतलब 95 से लेकर 30 रुपया प्लस हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो ये अच्छा चीज है। इनिशियली आज तो वो मार्केट गैप अप में ओपन हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे फिर बाइंग प्रेशर आया, फिर बाय दिन भर बाय होता रहा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली 30 पॉइंट और पॉजिटिवली मार्केट क्लोज हुआ था निफ्टी में। अब देखते हैं थोड़ा इंट्राडे वाले को क्या, आज थोड़ा पोजीशन था, मतलब इंट्राडे वाले को पैसा कमाने के लिए मिला था पोजीशन। अब देखो ये गैप अप में, गैप डाउन में, सॉरी गैप डाउन में ओपन हुआ था, फिर देखो इधर उधर, तो यहाँ मुश्किल है एंट्री करना, बहुत मुश्किल है। आप 15 मिनट चार्ट देखोगे तो बहुत मुश्किल है, और दो एकदम अच्छे से 3 मिनट 5 मिनट देख कर भी करते ना, उनके लिए भी दिक्कत है। फिर भी अब देखो नॉर्मली जब 15 मिनट देखकर ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, उसको कहते हैं। अब ये जो 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट वाला, ये सब स्काल्पर है, कभी कभार आप फंस जाओगे, इतना फंसोगे बुरा फंस जाओगे। तो इसलिए बी केयरफुल, कभी ट्रेड करना है 15 मिनट चार्ट इज द बेस्ट। 15 मिनट चार्ट को देखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते। हाँ, अब यहाँ हम देख सकते लास्ट मोमेंट में, देखो 2:45 मार्केट उठा था, तो यहाँ जब उठा ना, यहाँ मारुगोजी जैसा बना, तो ये इसको हम कह सकते, ये तीनों कैंडल देखकर हम कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल बना यहाँ। तो इसके बाद तो कोई पोजीशन ले सकता है, लेकिन निर्भर इतना वोलाटाइल था तो किसी का तो हिम्मत नहीं होता कि लास्ट मोमेंट में कैसे इंट्राडे करेंगे। ठीक है, फाइनल जो लेकर, मतलब जिसको मतलब आइडिया था कि हाँ भाई पोजिशन लेकर हम प्रॉफिट कर सकते हैं, पोजिशन लेकर प्रॉफिट करेंगे, कोई ये नहीं है। लेकिन मोमेंट था, लास्ट मोमेंट में दिया था 15 मिनट, जो लास्ट 45 मिनट्स था, 15 15 मिनट जो 3 कैंडल यहाँ बना ना, चांस तो था। यहाँ तो एटलीस्ट आपको 20-30 रुपया एटलीस्ट मिल जाएगा, एटलीस्ट। मतलब इतना भी, इतना वोलेटाइल मार्केट में 30 रुपया स्ट्रेट मिलना बहुत बड़ी बात होता है। सो था मौका, था तो था, अपॉर्चुनिटी था, लेकिन मौका को कैसे आप ग्राफ करोगे, फिर आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये हमारा था निफ्टी का, थोड़ा देख लेते हैं निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेडिंग हो रहा था। यस, निफ्टी बैंक सेम है। अब देखो गैप डाउन में ओपन हुआ था, फिर धीरे धीरे फिर बाइंग प्रेशर आया, धीरे 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 अब वोलाटाइल मार्केट था। बैंक निफ्टी ऐसे ही तो हाईली वोलाटाइल है, आप बैंक निफ्टी निफ्टी कंपेरिजन देखोगे ना, बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल है, तो भी ऐसे तो वोलाटाइल है, और ये वोलाटाइल मार्केट में 2 गुना हो जाता है वोलाटाइल। बैंक निफ्टी भी मतलब बैंक निफ्टी सीरियसली पॉसिबल नहीं है इसमें इंट्राडे ट्रेड करना। और लास्ट मोमेंट भी ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी चांस दिया था, जो लोग मतलब पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कहाँ जा रहा है। फिर ब्लैक मंडे को ओपन होगा, फिर मंडे को आप ट्रेडिंग करोगे, कोई नहीं।
100% देखो, प्रॉफिट 1 रुपया करना मार्केट से बहुत बड़ी बात होता है। लॉस तो कोई भी कर लेगा, लॉस के लिए कोई जरूरत नहीं नॉलेज, प्रॉफिट के लिए नॉलेज, डिसिप्लिन, एवरीथिंग जरूरत होता है। तो डे चार्ट में हम देखेंगे, यस डे चार्ट में एक अच्छा चीज है कि ये मार्केट, हाँ मैंने यहाँ भी लगा के रखा कि ये देखो 43,440 के ऊपर, मैंने जैसे निफ्टी में बताया था कि 19,250 के ऊपर 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज होगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड होगा, मोमेंटम आएगा, बुलिश मोमेंटम आएगा। तो इसमें भी देखो, ऐसे में इसमें भी बताया था मैंने बैंक निफ्टी में कि 43,440 के ऊपर 2-3 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट तो क्लोज होगा उसके ऊपर, तो फिर उसके बाद मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी। अब ये तैयारी कर रहे हैं देखो, इसीलिए तो मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। 2-3 दिन जो मार्केट कुछ नहीं दे रहा है ना, आगे देखोगे अच्छे से, मतलब मार्केट उठेगा, बहुत बढ़िया उठेगा। तो ये था हमारा। अब इसमें कैंडल क्या बना है, देखो बुलिश कैंडल तो बना है, इसको हम कह नहीं सकते। अब देखो यहाँ ऊपर तक गया है, नीचे गैप डाउन में ओपन हुआ था, फिर देखो इतना बाइंग प्रेशर आया, इतना बाय, दिन भर बाय हुआ है, दिन भर सिर्फ बाय हुआ है, लेकिन भले ही वोलेटाइल था लेकिन बाय ही हुआ है। देखो कंप्लीटली यहाँ देखो, ये कैंडल स्टिक बता रहा है कि भाई दिन भर बाय हो रहा था। तो ये जो कैंडल बना है, ये मारुगोजी तो उसको बोल नहीं सकते परफेक्ट मारुगोजी, लेकिन मारुगोजी जैसा लग रहा है उसमें है, मतलब बुलिश जो है, बायर वाले ज्यादा मार्केट को ट्राई कर रहे हैं ऊपर उठाने के लिए, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर जाने का, तैयारी हो चुका है ऑलरेडी। बस ये एक बार मोमेंटम आ जाएगा तो फिर भागेगा। यस, और ये था हमारे बैंक निफ्टी का डे चार्ट एनालिसिस। और देखते हैं ऑप्शन चेन, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्शन चेन में, निफ्टी में क्या हुआ था निफ्टी में। यस निफ्टी में, या 16 नवंबर उसका एक्सपायरी है निफ्टी में। यहाँ के अच्छा ये है, 19,400 के पास स्पॉट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके बाद 19,300, देन उसके बाद 19,200, और यहाँ पीछे बस 19,000 के पास है कि 80,000 है ओपन इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ देखेंगे कॉल साइड में, कॉल साइड में यस, कॉल साइड में 19,400 है, 19,400, और यहाँ 1 लाख, 1,20,000, 23, यहाँ 1,23,000, सेम बराबर है। तो उस दिन ना मार्केट मार्केट तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ये लोग जो इसीलिए लेकर बैठे हैं क्योंकि ये जो 2 दिन मिलेगा सैटरडे संडे को जो प्रीमियम डिके होगा, इन लोग सुबह सुबह मार्केट से निकल जाएंगे। भले ही मार्केट ऊपर गैप अप में ओपन होगा, फिर भी जो डिके होगा ना 3 दो दो दिन सैटरडे संडे को, तो इसीलिए इन लोगों को भी फायदा मिलेगा, तो इसीलिए ये जबरदस्ती लेकर बैठे हैं। कॉल राइटिंग यहाँ 19,400 के पास भी है, फिर उसके बाद हम देखेंगे 19,500 के पास भी है, 1,43,000, 1 लाख, लगभग 1.5 लाख के पास है, और उसके बाद 19,600, देन 19,700, मतलब हर 100-100 पॉइंट में ये लोग कॉल राइटिंग करके बैठे हैं। तो यहाँ 20,000 के पास भी है। तो ये जो हमारी अभी जो ट्रेंड है ना, अभी ये ऊपर जाने का ट्रेंड दिखा रहा है, पीछे तो इतना ये नहीं है, यहाँ है कि हर्डल पॉइंट 19,400 है, फिर उसके बाद हर 100-100 पॉइंट में कॉल राइटिंग करके बैठे हैं ये लोग, और यहाँ हमारे सपोर्ट पॉइंट अच्छा है, सपोर्ट पॉइंट 19,400 के पास भी, यहाँ थोड़ा जबरदस्त वार होगा कॉल पुट जो बायर सेलर के बीच में 19,400 के पास। अब जो यहाँ सस्टेन करेगा उसको पीछे लेकर जाएंगे, नहीं तो आगे लेकर आएंगे। फिर भी मार्केट हमारा जो निफ्टी है 19,300 के पास एक जबरदस्त सपोर्ट पॉइंट मिला है उसको, तो 19,250, जैसे मैंने बताया था कि 19,250 के ऊपर क्लोज हो गया, तो यहाँ देखो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब सपोर्ट पॉइंट 19,300 के पास आ गया, तो मार्केट ऊपर जाने का तैयारी कर रहा है। अब आगे जो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा हमारा मंडे के, तो लगभग 19,300 से लेकर ऊपर तक एकदम ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। 19,300 सपोर्ट पॉइंट है, एकदम अच्छे सपोर्ट पॉइंट है, उसके ऊपर जहां तक खाली, मतलब ऊपर तक स्काई लिमिट कहीं भी जा सकते हो। तो देखो बैंक निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी यस, बैंक निफ्टी में भी यहाँ 43,700 पोर्ट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके बाद 43,500, देन 43,000 के पास है के अच्छा जबरदस्त सपोर्ट पॉइंट है, पोर्ट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, फिर उसके बाद 43,800 के पास है, यहाँ कॉल साइड में भी है 43,800 के पास। तो ये 43,800 है, ये जो है ये दोनों के बीच में कॉल
और जो बायर सेलर दोनों के बीच में वार होगा, फिर उसके बाद जो सस्टेन करेगा उसको ऊपर लेके जाएंगे, नहीं तो सेलर वाला नीचे लेकर आएंगे थोड़ी देर। लेकिन यहाँ है कि 43,500 के पास है जबरदस्त सपोर्ट पॉइंट है, उसके आगे भी 43,600 के पास है जबरदस्त सपोर्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी में, पुट राइटिंग ज्यादा है। अब उसके बाद कॉल साइड में देखेंगे तो कॉल साइड में भी भर भर का हर 50 मतलब 100 100 पॉइंट में ये लोग राइटिंग करके बैठे, 43,900, 44,000। पहले मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन बताया कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी, 44,000 क्रॉस करेगा यहाँ, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ 44,500 के पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ 1 लाख मतलब 1,16,000 कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो 44,500 तक ये क्रॉस करने के लिए ट्राई करें। फिर उसके बाद 44,500 टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाने के तैयार करेगा, 45,000 टच करेगा। ये जो हमारी ये जो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है ना, ये कब का है ये एक्सपायरी इसका, ये 15 नवंबर, 15 नवंबर तक तो ट्राई करेगा मार्केट वो 45,000 तक टच करने के लिए। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे तो मार्केट 43,500 से लेकर 45,000 तक मतलब 1,500 पॉइंट के बीच में मार्केट मूव करेगा, बैंक निफ्टी मूव करेगा आगे आगे नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा। और यस थोड़ा देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट क्या है, ग्लोबल मार्केट से ओके डाउ जोन ठीक है, नैसडैक भी पॉजिटिव है, नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ है, और यूरोपियन मार्केट भी एकदम नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी हमारा पॉजिटिव हुआ है तो ये अच्छा चीज है, और एशियन मार्केट तो क्लोज हो चुका है आज, अब ये तो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। और देखिए ये अच्छा चीज नहीं कि क्रूड ऑयल जो है इसकी प्राइस थोड़ा बढ़ रहा है, फिर भी है मतलब 80 रुपया के पास है, 80, 81, 80, तो ये थोड़ा बहुत ठीक। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, दिस नॉट गुड फॉर इक्विटी मार्केट, देन बॉन्ड, यस बॉन्ड की रेट घट रहा है, ये अच्छा है इंडिया मार्केट के लिए, और इंडियन बॉन्ड तो बढ़ता रहता है, इंडिया बॉन्ड इतना फर्क नहीं पड़ता है, यूएस बॉन्ड के ऊपर ज्यादा ये होता है। और दूसरे में देखेंगे हम एक्सिस बैंक एडीआर या एचडीएफसी बैंक एडीआर, देखो एचडीएफसी बैंक 0.5% इंक्रीज हुआ है, देन आईसीसी बैंक 0.5, एचडीएफसी 1.23%, दिस गुड फॉर बैंक निफ्टी तो ओपन होगा, गैप अप में ओपन होगा पॉसिबिलिटी है, अब ऐसे ही मेंटेन करके रहेगा तो 1:30 बजे तक। सो ओवरऑल मार्केट हमारा ये है, मार्केट हमारा तैयारी कर रहा है, ऐसे जैसे ही मैंने देखा है कि यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट तैयारी कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब जब भागेगा मार्केट ना भयंकर भागेगा, जैसे नीचे गिरा था ऊपर भी ऐसे जाएगा ऊपर, और यहाँ टच करेगा उसको टच करने के लिए ट्राई करेगा, बैंक निफ्टी 46,000 और निफ्टी में हमारा 20,000 प्लस क्रॉस करेगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल।